नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेके, और आज मैं जो टॉपिक आपको बताने वाला हूं वह टॉपिक से संबंधित चीजें हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने एनिमेलिया किंगडम का क्लासिफिकेशन, उसके क्लासिफिकेशन का बेसिस और उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के जो फाइलम है उनको हमने देख चुके हैं। आज एक शॉर्ट रिव्यू हम देखते हैं एनिमेलिया किंगडम का। अगर हम एनिमेलिया किंगडम की बात करें तो एनिमेलिया किंगडम जो है वर्तमान में जो पांच जगत वर्गीकरण जिसे आर एस विटिकर के द्वारा दिया गया है, उन पांच जगतों में से एक जगत है जिसके अंतर्गत यूकेरियोटिक, बहुकोशिकीय तथा विषमपोषी जीवों को शामिल किया जाता है। अर्थात इस जगत के अंतर्गत उन जीवों को शामिल किया जाता है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते बल्कि दूसरों के द्वारा बने बनाए भोजन को ग्रहण करते हैं तथा होलोजेविक न्यूट्रिशन वाले होते हैं, निकलकर ग्रहण करने वाले होते हैं। जीवों का जो विकास है वो सरल जीवों से जटिल जीवों की ओर हुआ है। जीवों के विकास क्रम को अगर हम देखें तो जीवों का जो विकास है वो कैसा हुआ है, सरल जीवों से जटिल जीवों की ओर हुआ है। अर्थात सबसे पहले जो है कोशिका बनी, कोशिका फिर समूह के रूप में व्यवस्थित हुई, और समूह के रूप में व्यवस्थित होने के बाद ऊतक बने, टिश्यू बने, टिश्यू बनने के बाद इस आर्गन बने, आर्गन बनने के बाद आर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, और आर्गन सिस्टम जब पूरी तरह से विकसित हो गए तो एक सुविकसित जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। सुविकसित लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम एनिमेलिया किंगडम का वर्णन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जीवों का विकास कुछ इसी प्रकार से हुआ है, उनका अरेंजमेंट भी कुछ इसी प्रकार से रखा गया है। अगर हम बात करें अरेंजमेंट की तो अरेंजमेंट में से सबसे पहली बात याद रखें कि कोशिका, एक कोशिकीय जीवों का समूह कौन सा था, तो भाई एक कोशिकीय जीवों का जो समूह था वो था प्रोटोजोआ, जिसे पांच जगत वर्गीकरण में हटा दिया गया और इसके लिए एक अलग जगत प्रोटिस्टा की स्थापना की गई। भाई प्रोटोजोआ के अंतर्गत जिन जीवों को शामिल किया गया है उनका जो शरीर है केवल एक कोशिका से मिलकर बना हुआ, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव और जो जून जून मींस जंतु, अर्थात सबसे प्रिमिटिव जो जंतु थे वो प्रोटोजोआ के थे। इसके बाद पहले हम देखते हैं फाइलम पोरिफेरा। फाइलम पोरिफेरा विशुद्ध रूप से कोशिकाओं के समूह वाले जीवों का समूह है जिन्हें जिनका मुख्य कैरेक्टर है पोर बेयरिंग एनिमल, पोर बेयरिंग एनिमल। आप लोगों को मालूम है इन जंतुओं के शरीर में असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिस कारण से इन्हें पोर बियरिंग एनिमल कहा जाता है, छिद्रधारी जंतु कहा जाता है। अगर हम इसके एग्जांपल में बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है साइकॉन, साइकॉन ल्यूकोसोलेनिया यूस्पॉन्जिया। इसके महत्वपूर्ण एग्जांपल्स में है तो आपको क्या ध्यान रखना है पोरिफेरा के बारे में, पोर बियरिंग एनिमल। अगर हम सिलेंट्रेटा की बात करें, सिलेंट्रेटा की ऐसे जंतु जिनमें सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, कौन सी कैविटी पाई जाती है, सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, उनको फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत शामिल कहा जाता है। फाइलम सिलेंट्रेटा को एक और नाम दिया गया है निडेरिया, निडेरिया। निडेरिया के अंतर्गत उन जंतुओं को शामिल किया जाता है जिनमें नीडोब्लास्ट नामक दंत कोशिकाएं पाई जाती है। तो भाई सीधी सी बात है कि फाइलम सिलेंट्रेटा के जो की कैरेक्टर्स है वो क्या है, सिलेंट्रॉन कैविटी का पाया जाना और नीडोब्लास्ट कोशिकाओं का पाया जाना, दंत कोशिकाओं का पाया जाना।
इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका ओबेडिया, हाइड्रा, गार्गोनिया आदि। मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं, दो तीन एग्जाम्पल बताऊंगा। इसके बाद, इसके अलावा यहां पर एक चीज और देखें कि सिलेंट्रेटा के बाद एक छोटा सा समुद्री जीवों का समूह आता है जिसको कहा जाता है टीनोफोरा। टीनोफोरा, अगर हम टीनोफोरा की बात करें तो सामान्य तौर पर इनको कम्ब जेली कहा जाता है। कम्ब जेली कहा जाता है क्योंकि इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है वह लोकोमोटरी ऑर्गन्स कम्ब लाइक स्पाइंस का बना होता है, कम्ब लाइक स्पाइंस का बना होता है, इस कारण से इसको कम्ब जेली कहा जाता है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो टीनोस्पोरा इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। टीनोस्पोरा इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट फाइलम की बात करें। नेक्स्ट फाइलम की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फाइलम आता है प्लेटेहेलमिंथिस। प्लेटेहेलमिंथिस के अंतर्गत उन जंतुओं को शामिल किया जाता है जिनका शरीर फ्लैट होता है, जिनका शरीर चपटा होता है तथा वर्म के समान होता है, उन जंतुओं को शामिल किया जाता है, अर्थात फ्लैट वर्म्स को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फैसियोला हिपेटिका इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम बात करें टीनिया सोलियम इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट फाइलम की बात करें एस्केहेलमेंथिस के अंतर्गत उन वर्म्स को शामिल किया जाता है जिनका शरीर लंबा पतला दोनों सिरों से नुकीला होता है। इनके अंतर्गत उन जंतुओं को शामिल किया जाता है जिनका शरीर लंबा पतला बेलनाकार तथा दोनों सिरों से नुकीला होता है। जैसे भाई इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? एस्केरिस इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। नेक्स्ट फाइलम देखें तो एनेलिडा के अंतर्गत उन जंतुओं को शामिल किया जाता है जिनका शरीर मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, अर्थात जिसमें समरूपी विखंडन पाया जाता है। ऐसे जंतुओं को एनेलिडा के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जैसे केचुआ अर्थवर्म, जिसको हम फेरेटिमा पोस्टमा कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल की बात, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। ऐसे जंतु जिनमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, युग्मित उपांग पाए जाते हैं, ऐसे जंतुओं को फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत सारे के सारे इंसेक्ट आ जाते हैं। इसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो जैसे क्रेब्स, स्पाइडर्स, ये इसके अंतर्गत इंक्लूड है। चलिए इसके बाद देखते हैं फाइलम मोलस्का। मोलस्का के अंतर्गत उन जंतुओं को शामिल किया जाता है जिनका शरीर कोमल होता है तथा कोमल शरीर के चारों ओर मेंटल पाया जाता है और इस मेंटल के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का कवच स्रावित किया जाता है। तो फाइलम मोलस्का के अंतर्गत किन जंतुओं को शामिल किया जाता है? कि फाइलम मोलस्का के अंतर्गत उन जंतुओं को शामिल किया जाता है जिनका शरीर कोमल होता है तथा मेंटल द्वारा स्रावित कैल्शियम कार्बोनेट से बने कवच के अंदर बंद रहता है। इन जंतुओं को मोलस्का के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते, पाइला हो सकता है, यूनियो हो सकता है, हेलिक्स हो सकता है, काइटॉन हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करें इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत
यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि ये विशुद्ध रूप से समुद्री शंख, इसके अंतर्गत आने वाले सारे के सारे जंतु कैसे हैं, समुद्री हैं। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत उन जंतुओं को शामिल किया जाता है जिनके शरीर पर, जिनकी जो त्वचा है वह स्पाइनी होती है, स्पाइन्स स्कीन पाई जाती है। ऐसे जंतुओं को फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जैसे स्टारफिश, जिसको हम जिसका वैज्ञानिक नाम एस्टेरियास है, सी कुकुम्बर जिसको हम होलोथुरिया कहते हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट फाइलम देखिए, हेमिकार्डेटा। हेमी का मतलब होता है अर्ध और कार्डे का मतलब होता है रज्जु। तो फाइलम हेमिकार्डेटा के अंतर्गत उन जंतुओं को शामिल किया जाता है जिनके लक्षण कार्डेटा के समान होते हैं परंतु कार्डेटा जैसे नहीं होते। जिनके लक्षण किसके समान होते हैं, कार्डेटा के समान होते हैं परंतु कार्डेटा के जैसे नहीं होते, अर्थात अर्ध या सेमी कॉर्डेट कैरेक्टर। यहां पर मैं लिख देता हूं, सेमी कॉर्डेट कैरेक्टर वाले जंतुओं को इसमें शामिल किया जाता है, जैसे बेलेनोग्लॉसस। चलिए इसके बाद कॉर्डेटा की बात करें, सबसे विकसित जंतु इसी में आते हैं। वे जंतु जिनके शरीर पर नोटोकार्ड, नर्व कार्ड तथा फेरेंजियल गिल्स लाइट जीवन की किसी ना किसी अवस्था में पाई जाती है उनको कॉर्डेट्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वे जंतु जिनके शरीर में जीवन के किसी ना किसी काल में नोटोकार्ड, नर्व कार्ड तथा फेरेंजियल गिल्स लाइट जीवन की किसी ना किसी अवस्था में पाई जाती है, ऐसे जंतुओं को कार्डेटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत सारी की सारी मछलियां शामिल, सारी के सारे बर्ड शामिल हैं, सारे के सारे उभयचर शामिल हैं, सारे के सारे जो है वो रेप्टिलिया शामिल है और सारे के सारे जो है मेमल्स शामिल है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत आने वाले जो फाइलम है उन फाइलम्स के की कैरेक्टर्स क्या है और उनके एग्जांपल्स क्या है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।